जय श्री राम भक्त जनों, प्यारे भक्तों, ये संकेत बताते हैं कि भगवान ने आपकी सुन ली है, अब आपके सारे दुख दूर होने वाले हैं। भक्तों, वह क्या संकेत है, बड़े ध्यान से सुनना, समझना और करने का भी प्रयास जरूर करना। भक्तों, संकेत तो हर इंसान को मिलते रहते हैं, लेकिन उन संकेतों को हर कोई समझता नहीं है, और जो समझ लेते हैं वह कम दुखी होते हैं, क्योंकि समझने के बाद वह यह प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में दुख ना आए, हम इन संकेतों को समझें और करें। तो प्यारे भक्तों, संकेत तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कुछ संकेत बताएंगे, अगर आप उनको करने का प्रयास करेंगे तो आपके पास दुख आएगा नहीं, आपके पास सुख टिका रहेगा, क्योंकि सुख दुख दोनों ही होते हैं। लेकिन यह बात अलग है कि हम किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं। अगर हमने संकेतों को समझ लिया तो हमें सुखी सुख मिलेगा, और ये संकेत भगवान स्वयं देते हैं। सबसे बड़ा संकेत तो यह है कि गौ माता अगर आपके दरवाजे पर बिना बुलाए आती तो समझ लो आपके दुख दूर होने वाले हैं, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। क्योंकि जो गौ माता होती है उसके अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, और ये बहुत शुभ संकेत होता है कि गाय की जिसके दरवाजे पर आती है, तो यह भूल न करें, जब भी गौ माता आए उसको कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं। और अगर रोज आने लगे तो फिर तो कहने ही क्या है, सोने में सुहागा है। तो एक संकेत तो यह है। दूसरा संकेत यह है कि अतिथि आपके यहाँ बिना बुलाए आए और उनको देख करके आप प्रसन्नचित्त हो जाएं, जैसे हमारे यहाँ भगवान आ गए, और उनकी हर तरह से पूजा करें, आदर करें, सम्मान करें, जैसा आप अपने लिए चाहते हैं उससे भी कहीं अधिक। तो समझ लो भगवान की कृपा हो गई है, भगवान खुश हो गए हैं, आपके अंदर जो भी परेशानी है वह दूर अवश्य हो जाएगी। ये भगवान ने आपको एक संकेत दिया है। और भक्तों, आपके यहाँ कोई भी मांगने वाला आता है, कोई भिखारी आता है, कोई याचक आता है, तो उसको जरूर कुछ न कुछ दें, और अगर वह भोजन स्वीकार कर ले तो उस तो बहुत ही अच्छी बात है। तो भक्तों, ये इस तरह के संकेत थे। इन संकेतों से ये पता चलता है कि अगर आप इस तरह से संकेतों को समझ करके और इस तरह से मान सम्मान करेंगे और तो आपका जो जीवन है वो खुशहाल हो जाएगा, सुख का आगमन हो जाएगा और दुख चला जाएगा। और आप ये समझ लें कि समझ लो भगवान ने आपकी अब अरदास सुन ली है। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे, आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ऐसे संकेत बहुत सारे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय श्री राम।